हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का बेसिक डिफरेंस समझेंगे, साथ ही साथ एस पी डी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए, उस अकॉर्डिंग ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। सो एटॉमिक ऑर्बिटल आर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस टू फाइंड आउट टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ सर्टेन एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल सा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाला वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑर्बिटल क्या है और ऑर्बिट क्या है। ठीक है, सो ऑर्बिट क्या होता है, द क्लियर सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो थ्योरी भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ऑर्बिट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट था वो बोहर्स ने दिया था, बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में दिया था। बोहर्स ने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, मतलब ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में दिया था। और ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट जो है वेव, जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, मतलब श्रोडिंजर का जो मैकेनिकल क्वांटम थ्योरी है, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया था ऑर्बिटल के बारे में। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर कोई एक फिक्स ऑर्बिट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बल्कि एक स्पेस है जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब इस क्षेत्र में, इस ऑर्बिटल में, मतलब इतने क्षेत्र में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उन्हें ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, तो यह है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्बिट मतलब फिक्स है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये बताया था, और ऑर्बिटल मतलब फिक्स नहीं है, वहां पर प्रोबेबिलिटी है, कहीं पर भी पाया जा सकता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो इसका जो है ये पॉइंट आपको लिखना है, ऑर्बिटल क्या है, द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, एंड ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर। ठीक है, जैसे सभी जो है ये सर्कुलर होते हैं, एंड ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एस। ठीक है, ये जो है डिफरेंट साइज के होते हैं, ऑर्बिट्स सेम होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल जो है एस साइज के होते हैं, जिनका साइज स्फेरिकल होता है। पी साइज, पी ऑर्बिटल भी होते हैं, जिनका जो साइज होता है डम बेल होगा, एंड जो डी होंगे ये डबल डम्बेल या डम बेल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये डी का ये स्ट्रक्चर होता है, तो मतलब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज इंट्रोड्यूस बाय बोहर एंड अवेरस, ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन वेव नेचर। ठीक है, जो वेव नेचर था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बेसिकली श्रोडिंजर ने अपने थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में ही बताया, तो वेव नेचर के ऊपर बेस है ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट आर नॉट डायरेक्शनल इन नेचर एंड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, ये इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इनका डायरेक्शन होता है, एंड ऑर्बिट रिप्रेजेंट द प्लैनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द 3D मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली प्लैनर होता है और ये 3D होता है। ठीक है, 3D में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, जो तीन प्रकार के होंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। ठीक है, एंड तीनों का इस प्रकार से जो है अलग अलग शेप भी होगा। अब हम ये बेसिक हो गया, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इसका डिफरेंस। अब एक एक करके हम एस पी डी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एस ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। एस ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s एंड ये 3s। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये एक्स वाई जेड एक्सिस में जो है इसको शो किया गया है। तो 1s ऑर्बिटल में इसका साइज में बस डिफरेंस है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा, इसके बाद इसका साइज बड़ा। ठीक है, बेसिकली ये पहला हो जाएगा, इसके बाद ये ऐसे इसका साइज जाता है। सो एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल है, एंड द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके ऊपर जो है इस ऑर्बिटल का साइज डिपेंड करता है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, द साइज ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो एन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर डिस्कस किया है। अगर हमने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो क्वांटम नंबर में हमने क्या देखा था कि क्वांटम नंबर का मान एक है। ठीक है, बेसिकली अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है के सेल में प्रेजेंट है तो क्वांटम नंबर का मान एक होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का,
ठीक है, तो इसी प्रकार अगर KLM, ठीक है, KLMN ये जो नामकरण किया था बोहर्स ने अपने ऑर्बिट्स का, तो अगर ये बढ़ते जाएगा तो N का मान बढ़ते जाएगा, तो वही N का मान बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा है, ठीक है, ये जो है K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है, ठीक है, तो N M सेल के लिए N का मान 3 होगा और K के लिए 1 होगा, तो N का मान बढ़ेगा तो ये साइज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो वही इसीलिए कहा गया है कि ये जो साइज होगा ये N पर डिपेंड करेगा। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द 1s, 2s एंड 3s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके क्वांटम नंबर्स देख लीजिए। ठीक है, जो क्वांटम नंबर्स 1s ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर n 1 होगा, l 0 होगा, m 0 होगा, s जो है प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2 होगा। बेसिकली ये जो है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। 2s ऑर्बिटल के लिए n का मान 2 होगा। ठीक है, m का मान 0, l का 0, s का वही प्लस 1/2 या माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल्स भी तीन टाइप के होते हैं, p x ऑर्बिटल, p y ऑर्बिटल एंड p z ऑर्बिटल। ठीक है, इसको भी x y z में जो है इसको ये एक्सिस में खींचा गया है। ठीक है, सो ईच p ऑर्बिटल इज मेड अप ऑफ टू लोब्स। ठीक है, हर p ऑर्बिटल जो है दो लोब से मिलकर बना है। ये देख सकते हैं, ये एक लोब, ये एक लोब। ठीक है, सो द p ऑर्बिटल आर अरेंज इन x y z परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जो p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ये x y z के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के, and they have been named px, py, pz based on the axis. ठीक है, simple सा based on the axis. ये जो lobes हैं, ठीक है, ये p जो lobes हैं, ये x axis के अंतर्गत हैं, इसलिए इसको px orbital कहा जाएगा। ठीक है, इसे ये जो है y axis में है, y, ठीक है, तो py orbital, और ये जो है z axis में, ठीक है, तो ये z pz orbital होगा। ठीक है, अब इसका जो है क्वांटम नंबर्स अगर हम देखें, तो तीनों का p x y z ऑर्बिटल्स का जो l होगा, ठीक है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, एक होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस वन, जीरो या प्लस वन होगा। मुख्य क्वांटम नंबर 2 होगा। एंड s जो हमारा है, ये माइनस 1/2 या प्लस 1/2 होगा। ठीक है, इसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया p ऑर्बिटल्स के बारे में, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपका इसका इमेज में इसको शो करना है। तीसरा टाइप है डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स जो है पांच टाइप के होते हैं। डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज 5। ठीक है, पांच प्रकार के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट थ्री डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड आर मेड अप ऑफ 4-4 लोब्स। ठीक है, तो सिंपल है, ये चार चार लोब्स से जो है ये बने हुए हैं, ये तीन ऑर्बिटल्स। एंड जो फोर्थ नंबर का है, ये भी चार लोब्स के बने हुए हैं। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एंड जो फिफ्थ वाला जो डी ऑर्बिटल है, ये बेसिकली इसमें जो है दो लोब्स हैं जो कि जेड एक्सिस में ही है एंड एक रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको इसके लिए लिखना है और ये जो है आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए ये पांच प्रकार के शेप आपको बनाने हैं एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये शेप समझ में आ गया तो आप इजीली जो है ये अपने से भी लिख सकते हैं। इनके क्वांटम नंबर की बात करें तो एम जो है ये माइनस 2, माइनस 1, 0 एंड 1, 2, इस प्रकार से इसका एम होगा। एल जो है इसका 2 होगा। ठीक है, क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल का। तो इस प्रकार से आपको जो है ये डायग्राम और ये कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड एस एंड एस पी डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, और ये बेसिक डिफरेंस ऑर्बिटल ऑर्बिटल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नोट्स हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं इस पूरे यूनिट का। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।